लेट्स टॉक अबाउट फिलेट एंड चैम्फर. अगर आप यहां देखेंगे तो यू'ल फाइंड फिलेट एंड चैम्फर टूल हेयर. नाउ व्हाट इज कॉल्ड फिलेट, ये जो कर्व बेंड्स हैं जो आपको ये दिख रहे हैं कॉर्नर्स बने हुए, इन्हें हम फिलेट कहते हैं. और ये जो इस तरह से एजेस बची हुई है इन्हें हम चैम्फर कहते हैं. बेसिकली फिलेट और चैम्फर शार्प एजेस को राउंड करने के लिए बनाए जाते हैं. तो लेट्स डिस्कस हाउ वी कैन क्रिएट फिलेट इन ऑटोकैड. चलिए, अगर हम फिलेट कमांड करना चाहते हैं तो या तो हम डायरेक्टली फिलेट यहां से ले सकते हैं, या कमांड विंडो पर जाके अगर हम एफ टाइप करेंगे तो भी हम फिलेट ले सकते हैं. तो अगर आप यहां देखें तो करंट सेटिंग में मोड बोल रहा है ट्रिम रेडियस 2. नाउ इट इज आस्किंग फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट अनडू पॉइल एंड रेडियस ट्रिम एंड मल्टीपल. सपोज नाउ मेरे पास ये ड्रॉइंग है जो मैं कुछ इस तरह से मॉडिफाई करना चाहता हूं. नाउ सी व्हाट आई वांट, नाउ आई वांट टू हैव अ रेडियस हियर, सो आई एम मेंशनिंग रेडियस आर. सो दिस टाइम इट इज रेडियस 2 एंड आई वांट टू, आई एम एंटरिंग 2, एंटर. नाउ इट इज आस्किंग मी फिलेट सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट. आई सेड दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड now it is asking me second object. now this is my second object. by clicking this, जैसे मैं इनको क्लिक करता हूँ, I'm having a radius or I'm having a fillet here. now if you see, I want to have some more fillets. but अगर मैं कुछ और fillets भी चाहता हूँ, but मैं देखता हूँ जैसे ही मैंने fillet, मेरी command खत्म होती है, मैं command से बाहर निकल जाता हूँ. now in this case, I want to have multiple fillets. मुझे इसमें multiple fillets चाहिए. now what I want to do, now again fillet. now here the radius is 2, it's okay with me. now मुझे radius type करने की जरूरत नहीं है. अगर फिर भी आप type करना चाहते हैं, it's up to you. r radius 2. now I want to have multiple option here. I'm typing m, enter. now see, I want to have fillet here 1. now जैसे ही fillet हो जाता है मैं command से बाहर निकला. now I want to have fillet here also. so by this I'm able to create multiple fillets. now see, I want to have a radius of 2 here also. so this is also a part of fillet also. अगर कुछ आपको इस तरह की trajectory नजर आती है तो इसका मतलब यहां से आप इसको fillet से भी बना सकते हैं, और आप इस option को, इस चीज को ट्राई टेंजेंट सर्कल से भी बना सकते हैं. so now I find that fillet is a better option for it. now I'm using fillet. I click, this is a radius 2 fillet. I'm mentioning this is the first object and this is my second object. again dobara banana chahta hu. this is my first object, this is my second object. now मैं command से बाहर निकल रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि इन चीजों को trim किया जाए, तो I'm using trim command. tr double enter. I don't want this intersection and this intersection. now I'm having geometry which I want. this is how we do fillet command. now we talk about chamfer. let's see, this is chamfer. तो chamfer हम generally दो तरीके से कर सकते हैं, distance and angle. so अगर आप यहां देखिए current setting mode को, current setting distance 1 is 0, distance 2 is 0. now suppose अगर मैं ये chamfer बनाना चाहता हूं तो I need to mention distance 1 is 2 and distance 2 is again 2. so I need to mention here distance. to mujhe yahan pe distance maintain batane ki zarurat hai, to main yahan mention kar raha hu. d enter, specify first chamfer distance. main chahta hu ki mera pehla chamfer distance jo hai wo hai 2, mention 2. now second chamfer distance is also 2, ye bhi 2 hai, enter. now ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, मेरी जो पहली लाइन है वो दिस इज द फर्स्ट लाइन. नाउ इट इज आस्किंग मी सेकंड लाइन, दिस इज माय सेकंड लाइन. इफ फाइंड आई एम एबल टू क्रिएट चैम्फर हियर. नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन विद द चैम्फर इज दैट इज एंगल. लाइक यहां पे मेरे को मेंशन किया गया 45 एंगल एंड डिस्टेंस इज 2. नाउ आई मेंशन हियर चैम्फर, सी द डिस्टेंस एंड एंगल. या आई एम यूजिंग द ऑप्शन एंगल. I press A. जो भी चीज इसमें ब्लू कलर में होती है आप उसको, उस ऑप्शन को ले सकते हो, या डायरेक्टली आप उस ऑप्शन पे क्लिक भी कर सकते हैं. नाउ सी चैम्फर स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन.
अच्छा पहले लाइन पे चैम्फर लेंथ पूछ रहा है, तो मैंने बताया कि चैम्फर की लेंथ है जो वो दैट इज 2. नाउ इट इज आस्किंग मी द चैम्फर एंगल. अच्छा चैम्फर एंगल इज 45. Now, again it is asking me, now all these things are again asking, but now mera angle main de chuka hun, distance de chuka hun. Now see, this is chamfer, select first line. So I said this is my first line and this is the second line. So by doing this, I'm able to create the chamfer also. So this is how we do fillet and chamfer command in AutoCAD.